आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मैं आपके साथ डॉली पांडे। पंचायत चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आजाद आवाज की टीम ने लगातार 15 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसमें आपका प्यार और सम्मान मिला। हमने सभी प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी के प्रतिनिधि महेश सेठ, देखिएगा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। पंचायत चुनाव के प्रचार कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं और आज विजय महेश गुप्ता जी का प्रचार प्रचार और कल कल होगा डोर टू डोर और आज तक कैसे रिस्पॉन्स मिलो जनता को बढ़िया हर जगह हम कुछ ही गाँव में गए थे, हम विजय में भी आपके संगे में लगाए। आज आप हम हल्के पर गरीब किसानों के साथ आए थे, हम खुद किसान हैं तो हमें सबका भरपूर समर्थन मिल रहा है। जब से मैंने होश संभाला इसी बीज योजना में रहा हूँ, सबके साथ काम किया है तो बीज से तो दो दो प्रत्याशी हो गए तो बंटवारा है। प्रत्याशी कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रत्याशी चुनाव है सबको बंटवारा है, लड़ने का वो है बंटवारा है। समय बताएगा कितना बंटवारा है क्या है, तो फिर बीजोर की समस्या है क्या का आप देखें ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं है जी। अन्य गाँव में समस्याओं बढ़िया नल जल निगम का 8 एकड़ क्षेत्र प्लांट बना है, घर घर में बढ़िया पानी पहुंच रहा है, बिजली का सब एक क्षेत्र बना है, सोसाइटी है बीजोर में, हाई स्कूल है बीजोर में, ना किसी प्रकार की ऐसी समस्याएं नहीं है। अब ये चीज़ें बीजोर में है तो आपकी जिला परिषद अन्य गाँव तक पहुँचेगा, हर तक प्रयास रहेगा। जहाँ जहाँ हमने जाके देखा है जहाँ दिक्कतें हैं, क्योंकि किसान हैं हम, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसानों की समस्याएं समझते हैं। जहाँ भी दिक्कतें होंगी उनका अपन भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। समस्या से क्या सोच रहे हैं आप, जनता चारों तरफ से भरपूर मात्रा हमें सफल बनाएगी। धन्यवाद। महत्वपूर्ण सूचना, द आजाद आवाज किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।